Hi guys, welcome back to another video. मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक इनसाइड। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Realme 8 को एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था यार इस फोन में। जब ये फोन अनाउंस हुआ था ना Realme 8 एंड 8 Pro, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि Realme अच्छा करेगा उन्होंने बिल्कुल अपोजिट कर दिया कि यार मतलब मन सा खराब हो गया इसको देख के कि 8 और 8 Pro, एटलीस्ट 8 Pro से मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा आएगा, बट वो ऐसा लॉन्च किया यार उन्होंने कि मन नहीं करा। तो मैंने सोचा था कि स्किप कर देंगे, Realme 8 को भी नहीं लेंगे, Realme 8 Pro को भी नहीं लेंगे और अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। बट आई एम स्टार्टिंग टू सी कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है एंड एटलीस्ट 8 एक ऐसा फोन था। मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 8 और 8 Pro क्यों इतने अच्छे नहीं है, तो उसमें मैंने बोला था कि 8 मे बी आपके लिए हो सकता है क्योंकि 8 जिस प्राइस पॉइंट पे आया है, जैसी स्पेक्स के साथ आया है, और अगर आपके पास Realme की पुरानी जनरेशन नहीं है तो शायद आपके लिए ये फोन हो सकता है। तो वही चेक करने के लिए इसको आज जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। मैंने इसको कुछ टाइम के लिए टेस्ट किया है, क्या मेरा ओपिनियन है इस फोन के बारे में, क्या मुझे लगता है कि ये फोन मे बी आपके लिए हो सकता है। सामने तरफ आपको मिलती है Realme 8 की ब्रांडिंग, टॉप पे लिखा है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। समहाउ सारी कंपनीज ही नंबर वन है, आई एम नॉट श्योर कैसे डिसाइड करते हैं। बैक साइड में देखें तो आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स मिलते हैं। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलेगी, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, सुपर स्लिम एंड लाइट है, हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 30 वॉट का डार्ट चार्जर है एंड 5000 mAh की मैसिव बैटरी लिखा है। मैसिव, अब तो भाई 6 और 7000 भी आने लग गई है, बट इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग। 5000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है। अगर बात करें कलर की तो ये है साइबर सिल्वर। वेरिएंट की बात करें तो ये है 4GB एंड 128GB वाला, जिसका मतलब है ये बेस वेरिएंट है। अब जल्दी से इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो हाँ, वेरी नाइस, ये गया इसका रैपर। अब आया मैट फिनिश, अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट स्लीप, वाह वॉट अ कोट। इसको निकाल लेते हैं, सो डेयर टू लीप, इसमें चेक करते हैं क्या क्या मिलता है। सो यू हैव योर सिम इंजेक्टर टूल, देन यू हैव योर डॉक्यूमेंटेशन वर्क सेफ्टी गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड, ऑल दोज थिंग्स, ये इसकी जरूरत हमें नहीं है। एंड देन यू हैव योर TPU केस, ये थोड़ा इट्स नॉट अ क्लियर केस जिसमें आपको एकदम क्लियर देखने को मिलता है, थोड़ा ब्लैक टिंट है इसमें। एंड सामने तरफ हमें देखने को मिलता है फोन, साइबर सिल्वर है। इसको अभी के लिए साइड में रख लेते हैं, हम थोड़े टाइम में इसको बूट करेंगे। नेक्स्ट थिंग हम चेक करें, यहाँ आपको मिलता है चार्जर, ये है 30 वॉट का फास्ट चार्जर। एंड द फाइनल थिंग इन द बॉक्स इज योर केबल, ये है टाइप सी केबल, ये आपकी चार्जिंग के लिए एंड योर डेटा ट्रांसफर यूज होगी। एंड दैट्स ऑल इन द बॉक्स, और हमें कुछ भी नहीं मिलता बॉक्स में देखने को। जल्दी से फोन को बूट कर लेते हैं एंड देन आई विल कैच यू गाइस वेरी सून। फाइनली बात करते हैं Realme 8 के बारे में, और फर्स्ट थिंग जो मैं बात करना चाहता हूँ इसके डिज़ाइन के बारे में। आप देख रहे हो कितना शाइनी है ये है वैसे साइबर सिल्वर कलर, और इसमें एक और कलर आता है वो है साइबर ब्लैक। वैसे मुझे साइबर ब्लैक ज़्यादा पसंद है मुझे, बट आई थॉट कि इसको देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी, मतलब दूर से ही दिख जाएगा। इफ़ यू आर यूजिंग दिस फोन, इफ यू आर होल्डिंग दिस फोन, कोई देख रहा होगा ध्यान से तो एकदम शाइन करेगा, आँख पे मारेगा एकदम लाइट, तो वैसा कलर है ये। और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस ये है कि ये वैसा एक ऑप्शन है कि जो कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, मतलब अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप ले सकते हो, बट कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे। एक महीने बाद, दो महीने बाद आपको लगेगा कि यार ये मतलब ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओवर। डेयर टू लीप, इतनी बड़ी ब्रांडिंग Realme अब देने लग गया, बहुत सारे फोन्स में ये डिज़ाइन चूज करने लग गया कि डेयर टू लीप लिखना है बड़ा बड़ा। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पसंद है, पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये अपना अपना ओपिनियन है, हो सकता है आपको पसंद आ रहा हो, बट मुझे इतना बड़ा इतना लिखा हुआ ना टेक्स्ट डेयर टू लीप ये पसंद नहीं है। बाकी बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये है तो प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, बट काफ़ी अच्छा है ये, ऐसा नहीं लगता कि बहुत चीप प्लास्टिक है, अच्छा प्रीमियम फील होता है। इस प्राइस पॉइंट में मैं कहूँगा अच्छा काम किया Realme, और जो वेट है ना इसका वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही लाइट वेट फ़ोन है, समवेयर अराउंड 177 ग्राम या 180 ग्राम का फ़ोन है, काफ़ी हल्का फ़ोन है ये। तो बिल्ड की बात करूँ या इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अगर आपको स्लिम पतले फ़ोन पसंद हैं तो ये फ़ोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ओवरव्यू की बात करूँ इस फ़ोन की तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलता है सिम ट्रे, यहाँ पे आपको एक फुल फ्लैज सिम ट्रे मिलती है, मतलब आप दो सिम भी लगा सकते हो और आप एडिशनली एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो। ऑल दो इसमें जो बेस वेरियंट है उसमें भी आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि Realme ने दिया, बट अगर आप और एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो।
बॉटम साइड की बात करूं तो आपको यहां पे 3.5 mm जैक मिलता है, आप अपने हेडफोन्स यूज कर सकते हो, आपका प्राइमरी माइक्रोफोन है, देन यू हैव योर चार्जिंग पोर्ट, टाइप सी पोर्ट है यहां पे, एंड देन यू हैव योर स्पीकर ग्रिल। यहां पे सिंगल फायरिंग स्पीकर है, वो हम आगे वीडियो में चेक करेंगे कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं एंड यू हैव योर पावर ऑन एंड ऑफ बटन। टॉप साइड की बात करूं तो यहां पे आपको मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। यहां पे आपको मिलता है 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, इट्स एन एमोलेड पैनल, 60 हर्ट्ज का पैनल है, कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैं कहूंगा काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी पंची कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, व्यूइंग एंगल्स हैं जो वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पज की अगर मैं बात करूं, अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो, नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ऑल दोस थिंग्स, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो सब कुछ आप हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हो। और साथ में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, काफी फास्ट है, काफी एक्यूरेट है, मुझे कोई इश्यूज नहीं आए उसके साथ। साथ साथ बात करते हैं अब इसकी साउंड क्वालिटी की, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फोन लेना चाहते हो तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें है सिंगल फायरिंग स्पीकर है, यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते, बट वो जो स्पीकर है वो काफी ज्यादा लाउड है, मुझे जो उसकी साउंड आउटपुट लगा काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं इसके कैमरा सेंसर्स की। यहाँ पे आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है एंड 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है। ब्लैक एंड व्हाइट ये कंपनीज ने अब नया स्टार्ट कर दिया है कि हम डेप्थ या मैक्रो के साथ खेलते थे पहले कि इन दोनों को देना है, यही दो ऑप्शन थे, अब आ गया है ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर। ये बेसिकली जो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लोगे उसकी जो डिटेल है उसको एनहेंस करने के लिए यूज होता है सेंसर। एनी हाउ सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना तो कोई यूज नहीं है, कुछ एनहेंस नहीं करेगा, कोई इतना तगड़ा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आपकी नहीं आ जाएगी। अगर आप करना भी चाहते हो तो आप एक कलर फोटो लेके, एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, उससे आप अच्छी फोटो लेके आप उसको एडिट करके ब्लैक कर सकते हो, दैट्स इट, ये सेंसर की जरूरत नहीं है। बट कंपनीज ने अब देना स्टार्ट कर दिया है नार्जो सीरीज जो है, नार्जो 30 ABP अभी मैंने रिसेंटली अनबॉक्स किया था, उसमें खाली एक वो सेंसर है और एक प्राइमरी सेंसर है। तो ये एक नया ट्रेंड है और ये अब काफी टाइम तक फॉलो करेंगे, क्योंकि नई चीज आई है तो हर कंपनी इसको डालना स्टार्ट कर देगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर आपको देखने को मिलेगा काफी, एनी हाउ यूजलेस है, मैक्रो भी यूजलेस है, डेप्थ भी यूजलेस है, 2 मेगापिक्सल का ये ब्लैक एंड व्हाइट भी यूजलेस है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। अब बात करते हैं कैप्चर क्वालिटी की, कितनी अच्छी फोटोज लेता है ये, कितनी अच्छी डिटेल आपको देखने को मिलती है, ये तो मैं आपके साथ सैंपल शॉट शेयर करता हूँ, आप उसमें देख सकते हो। तो अगर आपके पास अच्छी खासी लाइट अवेलेबल है, आप आउटडोर कंडीशंस में हो, तो आपको अच्छी फोटोज देखने को मिलेंगी, अच्छी डिटेल, अच्छी कलर्स ये कैप्चर करेगा और जो ओवरऑल क्वालिटी है फोटोज की काफी ज्यादा अच्छी है। बात करूं उसके बाकी सेंसर्स की तो अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप अच्छी फोटोज ले सकते हो, आपको थोड़ी सॉफ्ट इमेजेस मिलेंगी, डिटेल भी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी वाइड एंगल फोटोज में। अब बाकी के जो दो सेंसर्स हैं वो तो यूजलेस हैं, बट एनी हाउ मैं सैंपल शॉट्स आपको दे देता हूं, आप उसमें देख सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूं, यहां पे आपको जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, अच्छी फोटोज लेता है। अगेन पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आप लेते हो, सेल्फीज लेते हो, बोके इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप वो यूज कर सकते हैं एंड अच्छा आउटपुट वो आपको देता है यहाँ पे। तो जो कैमरा क्वालिटी है मैं कहूंगा इस फोन की अच्छी है, कहीं कहीं जो फोटोज हैं काफी ज्यादा सैचुरेटेड आ जाती हैं, कभी कभी सैचुरेशन बिल्कुल ही कम कर देता, तो वो एक इशू है मुझे लगा कई फोटोज में, बट वो एक अपडेट के थ्रू ये फिक्स हो सकता है एंड मेरे ख्याल से रियलमी कर देगा वो। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। यहाँ पे आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी एंड जो चार्जर है वो है 30 W का फास्ट चार्जर। तो इन टर्म्स ऑफ मैं कहूंगा बैटरी बैकअप जो है, क्योंकि जो इसमें चिपसेट यूज किया गया है वो इतना पावर एफिशिएंट नहीं है, मिनीटेक का हीलो G95, तो बैटरी आपको एक दिन निकाल देगी अगर आपका मीडियम यूसेज है, और अगर आप ज्यादा भी यूज करते तो आपको 30 W का फास्ट चार्जर मिलता है, उससे आप जल्दी से चार्ज कर सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। जो बैटरी है और जो चार्जर है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस की। मीडियाटेक का हीलियो G95 मिलता है, कोई नई बात नहीं है, पुरानी सीरीज में भी यही था, बट एनी हाउ अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, अगर आप गेमिंग के लिए ये फोन लेना चाहते हो तो आप यस गेमिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली ये जो चिपसेट है इसको एक ऑप्टिमाइज किया गया है गेमिंग के लिए, तो गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एकदम हाई एंड गेमिंग आप नहीं कर पाओगे, लेकिन गेमिंग आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको बहुत ज्यादा लैग और स्टटर देखने को मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे, ये हैंडल कर लेगा। अब बात करते हैं द फाइनल थिंग इसके प्राइस की। ये है 15,000 रुपए का जो बेस वेरियंट है 4GB 128GB वाला। ये अच्छी बात है कि 128GB आपको स्टोरेज देखने को मिलता है इवन फॉर द बेस वेरियंट। तो 15,000 में आपको मिलेगा 4 और 128 वाला वेरिएंट, देन वी हैव अ 6GB 128GB, देन वी हैव अ 8 एंड 128GB, तो तीन वेरिएंट अवेलेबल है,
कलर दो अवेलेबल हैं, एक है ये साइबर सिल्वर, एक है साइबर ब्लैक। साइबर ब्लैक मेरे ओपिनियन में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सटल लुक देता है ये कुछ ज़्यादा ही मतलब नो अंडरस्टैंड काफ़ी ज़्यादा ही शाइनी और ग्लॉसी फील है इसकी। बट एनी हाउ इट्स योर प्रेफरेंस, आपको अगर ये पसंद है तो आप ये भी ले सकते हो, साइबर ब्लैक पसंद है तो आप साइबर ब्लैक भी ले सकते हो। और अब बात करते हैं कि ये फ़ोन क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं इसके अराउंड कॉम्पिटिशन है, जो Redmi Note 10 सीरीज़ है, Redmi Note 10 है, Redmi Note 10 Pro है, Pro Max अगर आप जाते हो तो वहाँ पे Realme 8 Pro कॉम्पीट करेगा उसके साथ। एनी हाउ Realme 8 एक अच्छा फ़ोन है, डिसेंट फ़ोन है, और अगर आपके पास पुरानी सीरीज़ नहीं है Realme 7 तो ये फ़ोन आप ले सकते हो। अगर वो है ऑलरेडी तो इसमें कोई ज़्यादा अपग्रेड नहीं देखने को आपको मिलेगा, तो ये लेना फिर बेकार है, नो यूज़। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये फ़ोन ये जो कलर है आपको कैसा लगा, मतलब एकदम शाइनी कलर है, बढ़िया सा बिल्कुल, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि ये कलर कैसा है, या आप प्रेफर करोगे साइबर ब्लैक। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।